Hi Vatha. So children, let us first try to understand this poem from the pictures given in the book. तो बच्चों पहले हम इन pictures की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि इस poem में क्या है. ये देखिए, ये कुछ round round tent जैसा है, ऊपर लकड़ी लगी हुई है. ये क्या हो सकता है? ये कुछ पेड़ है, ये एक पक्षी है और यहाँ पे गिलहरी भी है. अब देखते हैं यहाँ कौन है. अब हायवथा कौन होगा? ये हो सकता है हायवथा. और ये आसपास कौन है? ये कुछ पक्षी हैं, ये खरगोश है, रैबिट है, बर्ड्स हैं, डियर है, हिरण है और ये अलग अलग प्रकार की बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप की बर्ड्स हैं. तो बच्चों हम पीछे देखा देखते हैं कि पीछे क्या है. ये कुछ बहुत सारे पेड़ हैं पीछे और बुशेस हैं. तो दिस इज अ फॉरेस्ट. दिस पोयम इज इन फॉरेस्ट. हाय वथा. Hayavatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nikomis in a wigwam. Nikomis taught Hayavatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. Hayavatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. Then the little Hayavatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets. How they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's chickens. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns. How the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's brothers. So this poem has been written by H.W. Longfellow. So, बच्चों ये है हायवथा और ये एक रेड इंडियन बॉय है. तो इसे हम रेड इंडियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो शरीर है ये हल्का हल्का लाल है, इसलिए हम इसे रेड बोल रहे हैं. और ये जो जंगल है, ये जो जगह है, ये इंडिया नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका है. पर जो लोग इंडिया की खोज करने निकले थे, उन्हें लगा नॉर्थ अमेरिका इंडिया है. तो उन्होंने इस जगह को, जहाँ पर जो लोग रहते थे, उनको रेड इंडियंस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका शरीर की जो स्किन है वो हल्की हल्की लाल थी. तो ये बहुत पुराने समय की बात है जब ये पोयम लिखी गई थी. तो हायवथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, मतलब वो छोटा था और वो एक रेड इंडियन बॉय था. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडमदर निकोमिस इन अ विगवैम. वो अपनी दादी के साथ रहता था और वो विगवैम में रहता था. विगवैम, अब बताओ इन पिक्चर्स में आपको कोई रहने की जगह दिख रही है? यहाँ पर या यहाँ पर? ये है ना एक टेंट जैसा. तो इसमें हायवथा रहता था अपनी दादी के साथ. Nikomis taught Hayavatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. तो जो भी जो Nikomis थी, जो Hayavatha की दादी थी, वो उसने आसपास की चीजों के बारे में बहुत बताती थी, जैसे कि तारे, पेड़, कीड़े मकौड़े, birds, animals, जो भी जानवर या पक्षी वहां रहते थे, क्योंकि ये एक जंगल था. तो वो उनके जो उसकी दादी थी वो उसको हायवथा को उनके बारे में बताती थी. हायवथा grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals
एंड दे टू हिम. तो जो हायवथा था वो ग्रू अप टू लव देम ऑल. जब वो छोटे से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, तब तक उसे सारे जो भी जानवर थे, पक्षी थे या जो भी थे, कीड़े मकौड़े थे, वो सब उसके दोस्त बन गए थे और वो उन सबसे प्यार करने लगा था. चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, या रैबिट हो या पक्षी हो, सबसे हायवथा बहुत प्यार करने लगा था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. तो वो उनसे बातचीत करता था और ये पक्षी और ये एनिमल्स, ये बर्ड्स और एनिमल्स भी उससे बातें करते थे. तो ये बातें कैसे करते होंगे, चलिए देखते हैं कि कैसे बातें करते होंगे. क्या हायवथा को उनकी लैंग्वेज आती थी? मतलब हायवथा ने उनके साथ रहते रहते उनकी लैंग्वेज सीखी थी. उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से अलग है क्या? चलिए देखें. Then the little Hayavatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets. तो Hayavatha जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो वो पक्षियों से, बर्ड्स से बातें करता था उनकी लैंग्वेज में. उनकी लैंग्वेज उसने सीखी और उनसे बातचीत की. लर्न देयर नेम्स, और बातें करते करते जब आप किसी से बातें करते हो तो आप उनके बारे में और जानना लग जाते हो. तो उसने उनके नाम, उनको उससे उसने नाम जानने लग गया और उनके सीक्रेट्स भी जानने लगे. सीक्रेट्स मतलब उनके राज जानने लग गया. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट, वो राज क्या है वो बात हो रही है. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर. तो वो अपना घोंसला गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाती हैं ये चिड़िया, ये पक्षी, और वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और जब ठंड पड़ जाती है तो ये अपने आप को कहाँ छुपाती हैं ताकि ठंड से बच सके. Talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's chickens. तो जो Hayavatha था वो इन सारी पक्षियों को अपनी chickens मानता था और उनसे ढेर सारी बातें करता था जब भी वो उनसे मिलता था. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets. अब beasts यहाँ पे बाकी जंगल के जंगली जानवर की बात हो रही है. जो भी जंगल में जंगली जानवर थे, डियर और बीवर और जो भी और जंगली जानवर थे और दूसरे जानवर थे, उनसे वो बातें करता था हायवथा. और कैसे बातें करता था? उनकी लैंग्वेज सीखकर. ही लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. जब वो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उनसे बातें करता था तब वो उनके बारे में भी जानने लग गया और उनके राज के बारे में भी जानने लग गया. और वो राज थे, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. बीवर्स एक टाइप का एनिमल होता है जो कि रात भर जागता रहता है. तो वो अपने रहने की जगह, लॉजेस उनके रहने की जगह है, तो वो अपने रहने की जगह कैसे बनाते थे. वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉर्न्स. तो जो गिलहरियां होती हैं, स्क्विरल्स गिलहरियां, वो अपने एकॉर्न्स कहाँ छुपाती थी, वो अपने खाने का सामान कहाँ छुपा के रखती थी. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड. तो जो रेनडियर है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक डियर दिख रहा है, तो जो रेनडियर है, हाउ ही रैन सो स्विफ्टली, हाउ इट रैन सो स्विफ्टली. तो जो रेनडियर है वो, आपने कभी देखा है डियर को, हिरण को भागते हुए बड़ी खूबसूरती से भागता है, कभी देखा हो तो बताइएगा. और हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. तो अब हायवथा को ये सारे राज पता चल रहे थे कि हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, इतने आराम से कैसे भागता है और इतना सुंदर लगता है भागते हुए हिरण. व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड. जो खरगोश है, रैबिट है, ये रहा रैबिट उसकी यहाँ पे उसकी गोदी में. व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड. तो जो टिमिड मतलब वो डरता क्यों है. जब भी आपने देखा होगा, हम कभी खरगोश के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भागता है, तो खरगोश को सबसे डर लगता है. तो हायवथा को पता चल गया था खरगोश से बात करके कि वो इन सबसे लोगों से क्यों डरता है. ही टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. अब ये जो जानवर थे सारे, डियर, खरगोश, वो इन सबसे, बीवर, इन सबसे मिलता था, स्क्विरल्स, इन सबसे मिलता था और जब भी इनसे मिलता था तब उनसे बातें करता था. ही टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम एंड कॉल्ड देम हायवथास ब्रदर्स.
और ये उनको अपने भाई के रूप में देखता था, उनको अपना सारे जानवरों को, जंगल के जानवरों को अपना भाई मानता था। तो जो हायवथा था वो सारी पक्षियों को अपने चिकन्स मानता था, हायवथास चिकन्स, और सारे जानवरों को हायवथास ब्रदर्स, हायवथा के भाई। और वो ऐसा क्यों बोलता था? क्योंकि वो सारे जानवरों और सारे पक्षी, सारे पेड़ सबसे बहुत प्यार करता था।